हेलो, मेरा नाम है आशीष कुमार चौधरी। आप देख रहे हो ऑटोमैक चैनल, और जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैं आज किस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूं। जी हां, मैं करने वाला हूं कार वैक्यूम क्लीनर, जो कि मुझे भेजा है बोरोली कंपनी ने, और जो कि ड्राई और वेट दोनों ही काम करता है, तरीके से काम करता है। और क्या क्या इसके फीचर हैं, ये चलिए इसके अंदर अनबॉक्सिंग करूँगा मैं अभी, उसके बाद यूज़ करके दिखाऊँगा गाड़ी के ऊपर। प्राइस इसका बहुत ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, बजट में प्राइस है, और मैं वो आपको बाद में लास्ट में रिवील करूँगा कि प्राइस इसका कितना है। बहुत कम प्राइस में है, इसीलिए मैंने स्पेशली इस पर ध्यान दिया और ये जो प्रोडक्ट है ये मंगवाया है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसका ये देखेंगे गाड़ी पर यूज़। तो चलिए फिर करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दिया गया है, क्वालिटी वाइज और फीचर वाइज क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। सो हेयर इज़ द फाइनल प्रोडक्ट एयर बोरोली और बोरोली ड्राई वेट एमपीबीएस व्हीकल क्लीनर। यहाँ पे लिखा है, इस तरफ स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, यहाँ पर मॉडल है और मॉडल नेम दे रखा है वैक्यूम क्लीनर, और इट स्पेशली यूज फॉर डीसी 12 वोल्ट कार्स। ओके, ये घर के लिए नहीं है, स्पेशली सिर्फ कार्स के लिए। और इस तरफ भी यही लिख रखा है, यहाँ पर मेल आईडी दे रखा है इनका कॉन्टैक्ट। चलिए अब इसको देखते हैं अंदर बॉक्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पे कुछ मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़, तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मेन प्रोडक्ट निकालता हूँ। सो हेयर इज़ द मेन प्रोडक्ट हेयर, और ओके, इसका कॉर्ड काफ़ी लंबा है, मैंने स्पेसिफिकेशन में पढ़ा था 14.8 फीट इसकी लेंथ है। सो काफ़ी लंबी वायर है, इसके साथ ज़्यादा आपको मैसिंग नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये इजीली आप इसको गाड़ी के किसी भी हिस्से में ले जा सकते हैं, वहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फंक्शनिंग बाद में देखते हैं क्या क्या है। इसके अलावा अटैचमेंट क्या क्या दे रखी है, ये एक होज पाइप की तरह कुछ दे रखा है, और इसमें एक और अटैचमेंट दे रखी है, ये अलग अलग जगह के लिए जहाँ पे फिट बैठेगी, स्पेशली फ्लोर के लिए, फ्लोर मैट्स के ऊपर जो डस्ट वगैरह पड़ी है उसके लिए। और ये एक और अटैचमेंट दे रखी है, इसके अलावा एक और है। सो 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटली मिलाकर 5 अटैचमेंट इसके साथ हैं। अब डालते हैं मेन प्रोडक्ट पे नज़र। ओके, तो अब बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देखने में बहुत स्टाइलिश लग रहा है, और मोर ओवर इसका क्वालिटी वैसे तो प्लास्टिक में है, बट सुपर फिनिश क्वालिटी है, और हैवी नहीं है, बिल्कुल हल्का है। और इसका अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं सबसे पहले, तो 4500 PA इसका सक्शन पावर है, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, 4500। और इसके अंदर जो मोटर है वो है 120 वॉट की मोटर है, और इसके अलावा 12 वोल्ट इनपुट पे चलती है ये, और 4.8 फीट की इसकी जो लेंथ है वायर कॉर्ड की, वो 4.8 है। इसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात ये है कि ये जो जब चलता है तो इसका जो डीबी है, जो डीपी इसका आता है 60 dB, जो नॉइस का जो यूनिट रहता है कि कितना नॉइस ये करता है। खैर, इसके अलावा बाकी अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2, 1, 2 और 3 मेन बटन दिए गए हैं। सबसे पहले ये मेन बटन है ऑन ऑफ का। इसके बाद ये फ्रंट में जो है, इसको आप थोड़ा सा पुश करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से खुल जाता है, और यहाँ पे जो भी कचरा वगैरह है ये इस वाले होल से नीचे आप बाहर गिरा सकते हैं। ये वाला जो होल है ये अटैचमेंट लगाने के लिए है, ये जो बाकी अटैचमेंट है ये मैं बताता हूँ किस तरह से लगेगी। और ये जो मेन बटन है ये इस असेंबली को अलग करने के लिए, जैसे आप दबाओगे ये अलग हो जाएगा। इसके अंदर ये इस तरह से है, मोटर इधर है, और यहाँ पे फिल्टर है, आप क्लीनिंग के लिए सिंपल इसको ऐसे निकालोगे और बाहर इसको वॉशेबल कर सकोगे, क्योंकि ड्राई और वेट दोनों है, तो इसको वॉशेबल आप कर सकते हैं, और फिर सुखा के इसको ड्राई करके अच्छे से दोबारा से इसको यूज़ के लिए दोबारा से इसको आप रेडी कर सकते हैं। इस तरह से नॉर्मल इसका असेंबली हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली इसका असेंबली और डिसमेंटलिंग हो जाता है।
रही बात अटैचमेंट की, तो यहाँ पे आपके पास चार पांच अटैचमेंट दी गई है, जिसको हम जैसे फ्लोर वाला है फ्लोर क्लीनिंग, तो इसको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली अटैच कर देना है इस तरह से, और आप फ्लोर क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये वाली लॉन्ग नेक पाइप आप इसको डायरेक्ट नहीं यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि राउंड शेप में इसके लिए अटैचमेंट सबसे पहले आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको लगाओगे, लगाने के बाद आप ये पाइप का जो लॉन्ग नेक पाइप है इसको आप इस तरह से यहाँ लगाओगे और ये इस तरह से जुड़ जाएगा। इसके बाद आप कोई सी भी अटैचमेंट लगा सकते हैं, पर उससे पहले आपको इसका ये वाला अटैचमेंट लगाना पड़ेगा इस तरह से, एंड देन इट इज़ रेडी फॉर इस तरह से। और तो अभी चलते हैं गाड़ी के ऊपर, देखते हैं किस तरह से ये काम करता है और कितना इसका सक्शन पावर है। तो चलिए वहाँ पे इसका ट्राई करते हैं, सैंपल लेते हैं। ओके, तो मैं आ गया हूँ अभी गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर मैं इसको अभी यूज़ करने वाला हूँ। तो सॉकेट इसका जो प्लग इन है वो मैं करता हूँ इसका यहाँ पर सॉकेट के अंदर, और अभी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। पर यूज़ करने से पहले वन थिंग रिमेंबर ऑलवेज कि गाड़ी आप हमेशा स्टार्ट कर लें जब आप इसको यूज़ करें, क्योंकि ये बैटरी पे बैटरी को काफ़ी ड्रेनेज कर सकता है, बैटरी को ख़त्म कर सकता है, इतना जल्दी नहीं बट कर सकता है, बैटरी पे काफ़ी असर डालेगा, इसलिए बेटर है कि गाड़ी स्टार्ट कर लें। और दूसरा प्रिकॉशन ये रखते हैं कि आपको 15 मिनट्स अगर आप इसको यूज़ कर लें तो थोड़ा इसको रेस्ट दे दें 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद दोबारा से इसको यूज़ कर लें। ओके, तो मैं अभी इसको टेस्ट करने वाला हूँ, और सबसे पहले मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ इसका सक्शन 4500 PS, और साउंड आप इसका सुन सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको स्पेसिफिकेशन में, कि 60 dB तक ये साउंड जनरेट करता है, जो कि इतना कनिंग इतना अनोइंग नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैं नीचे क्लीनिंग करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं इसके लिए अटैचमेंट मैं ये वाली यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Amazing, amazing. काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग कर रहा है, सक्शन इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, सक्शन पावर इसका मोटर काफ़ी ज़बरदस्त है, और बिल्कुल मीन्स क्लीन कर दे रहा है एकदम से। तो मैं सरप्राइज हूँ और अमेज्ड हूँ, और देख लीजिए बिल्कुल चकाचक साफ कर दिया इसने। तो अभी मैं आ गया हूँ बैक साइड में, और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्लीन। तो बाकी आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई सा भी आप जो अटैचमेंट आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस। तो मैं तो अभी मैं यहाँ पे एक कॉइन रखता हूँ, उसको लिफ्ट करके देखता हूँ कि सक्शन करता है कि नहीं। हालांकि ये आगे से इतना कॉइन से थोड़ा छोटा है इसका स्पेस, पर फिर भी देखते हैं। ओह अमेजिंग, अब देखिए इसने कॉइन को बिल्कुल फिक कर लिया है। हालांकि जो इसका अटैचमेंट का जो आगे से विड्थ है वो इतना चौड़ा नहीं है कि उसको अंदर खींच पाए, बट स्टिल आप देख रहे होंगे कि ये क्वाइन घूम रहा है सक्शन से, क्योंकि अंदर नहीं जा पा रहा है। तो सक्शन देखिए आप कितना इसका ज़बरदस्त है। फिल्टर यहाँ से खोलकर निकाल सकते हैं इस तरह से, और साफ कर सकते हैं आप सिंपली, फिल्टर निकालो इसको, नीचे कहीं भी इसको डस्टिंग करके इसको झाड़ सकते हैं, इसके अंदर जो भी कचरा वगैरह और पड़ा है उसको भी निकाल सकते हैं। और साथ में जैसे कि मैंने कहा कि ये वेट क्लीनर भी है, तो यहाँ पे आप ये रबड़ की सील देख पा रहे, ये इसीलिए वो लगाई जाती है कि ये मोटर तक पानी जो है वो ना पहुँच पाए। We'll be right back.
बाकी इसको अंदर से भी क्लीन करना हो तो इसको वही बटन जो मैंने पहले बताया था इसको दबा कर आप इसको अलग कर सकते हैं, और शायद थोड़ी सी मिट्टी रह गई है, और इसको आप बाहर जो भी है इसका फिल्टर निकाल कर बाहर आसानी से इसको नीचे झाड़ सकते हैं, और इसको वॉशेबल है ये, आप इसको वॉश कर सकते हैं। एनीवेज इस प्रोडक्ट की जो वारंटी है वो है 6 मंथ, और 6 मंथ तक आप इसको कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये अंडर वारंटी है। और अब करते हैं बात इसके प्राइस की, तो प्राइस अगर आपने कितना सोचा है अभी तक कि इसका प्राइस कितना हो सकता है, प्लीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कमेंट में ज़रूर आप डाल दीजिएगा कि आपने कितना सोचा था। बट इसका प्राइस है 986,000 भी पूरा नहीं है, 986, और इस प्राइस में इस क्वालिटी का और इस सक्शन का 4500 PSP 120 वॉट का अगर आपको वैक्यूम क्लीनर मिलता है तो मेरे हिसाब से सही है, और बाकी सारा काम इसका बहुत सही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और परचेजिंग लिंक नीचे दिया है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं बोरोलिक के ये प्रोडक्ट, और इसके अलावा बोरोलिक के और भी प्रोडक्ट हैं वो भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।